तो हमेशा की तरह मैं माइनक्राफ्ट में ऐसे ही घूम रहा था, और तभी मेरे बड़े से दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आता है कि क्या होगा अगर मैं माइनक्राफ्ट के बायोम्स को आपस में मर्ज कर दूं, मतलब आपस में मिला दूं, तो कौन सी नई दुनिया बनेगी। ये तो मुझे करना था पर मुझे पता नहीं था कि ये कैसे करते हैं, इसलिए फिर मैंने अपने बाबा से सहायता ली, जिनका नाम था आचारी बाबा। हाँ आचारी बाबा, नाम पर मत जाना। कुछ भी तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे बताया और मेरी समस्या का समाधान किया। तो इसको करने के लिए मुझे 3 ब्लॉक्स लगेंगे, जो होंगे वुड, कबलस्टोन एंड डर्ट, जो मेरे पास पहले से थी, और आचारी बाबा के हिसाब से इनको एक जगह पर फेंकना है, तो इसलिए फिर मैंने इनको एक एक कर फेंकना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही मैंने तीसरा ब्लॉक फेंका तो मैं स्पॉन हो गया था भाई एक ऐसी जगह पे जो लिटरली 1 चंक की थी, जैसे तुम लोग देख सकते हो, और यहाँ पर काफ़ी सारी बायोम्स भी थी जो लिटरली 1 चंक की थी, मतलब जादू काम कर गया। तो आप तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि यहाँ से निकलने के लिए मुझे 100 डेज तक सर्वाइव करना पड़ेगा, और इन 100 डेज में मुझे कुछ गोल्स होंगे जिन्हें मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो हमारा पहला गोल होगा एक आयरन का आर्मर बनाना विथ टूल्स एंड एक प्यारा सा हाउस, दूसरा गोल होगा, तीसरा गोल होगा बेसिक सेफ फार्म बनाना। तो अब बिना किसी देरी के भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 को मैं आइलैंड पे स्पॉन हो गया, और भाई यहाँ पर बारिश हो रही थी तो काफ़ी सही मौसम था मेरे ख्याल से, और यहाँ पर एक आयरन गोलम और मुर्गी थी। एंड इसके बाद मैंने हाउसेस को चेक करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर मेरे को बेड मिल चुका था जो काफ़ी अच्छी बात थी। एंड दूसरे वाले घर से भाई मुझे काफ़ी अच्छी लूट मिली, जैसे तुम लोग देख सकते हो यहाँ से मुझे काफ़ी सारा आयरन, ब्रेड और एप्पल्स मिल गए थे। एंड इसके बाद मैं अपने ट्री को चॉप करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ से कुछ प्लैंक्स बनाए एंड एक ग्राफ्टिंग टेबल। ग्राफ्टिंग टेबल की मदद से मैंने यहाँ पर एक आयरन की पिकैक्स बनाई और साथ में एक शील्ड भी। एंड इसके बाद यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे शुगर केन को ब्रेक किया एंड उसको वापस से प्लेस कर दिया। ट्री से मिली सैफलिंग्स को मैंने वापस से प्लेस कर दिया और थोड़ी सी चीज़ों को स्टोर किया। और इसके बाद मैं बिना किसी देरी के पहले चंक को फाइंड करने के लिए नीचे डिक करने लगा। एंड देन भाई थोड़े से ब्लॉक माइन करने पर मैं अपने फर्स्ट चंक पर पहुंच चुका था, जो कि था भाई केव वाला, जहां के चारों तरफ भाई आयरन और कोल काफ़ी सारा था और 2 स्पॉनर भी थे। तो भाई मैं बिना किसी देरी के यहां से काफ़ी सारा आयरन एंड कोल कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। पानी की मदद से मैं अपने आइलैंड वापस ऊपर आ रहा था, और तभी यहाँ पर मेरे ऊपर एक क्रीपर फट जाता है जो कि ऐसा था भाई। और इसके बाद भाई मैं तुरंत बिना किसी देरी के सोने चला जाता हूँ, क्योंकि बाहर काफ़ी सारे मॉब्स लोग थे जो मुझे मारने का इंतज़ार कर रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने फर्नेस बनाया और उसको ग्राफ्टिंग टेबल के बगल में प्लेस कर दिया, और वहाँ पर जितना भी आयरन मुझे मिला था मैंने उनको स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। और उसके बाद थोड़ी सी फार्मिंग की और साथ में एनिमल्स को भी फीड कराया, और भाई मैं चाहता था ये सारे एनिमल्स एक फेंस में साथ रहे, क्योंकि ये 1 चंक है, ये कहीं पर भी गिर सकते थे जिससे मुझे काफ़ी बड़ा नुकसान लग सकता था, लेकिन ये साथ में रहना ही नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने इनको इनके हाल पर ही छोड़ दिया और चला गया भाई आयरन को कलेक्ट करने। और जैसे मैंने फर्नेस में देखा तो मेरे काफ़ी सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका था, जिससे मैंने कुछ अपने आर्मर वगैरह बना लिए, लेकिन आर्मर हमारा अभी पूरा नहीं हुआ था क्योंकि अभी कुछ आयरन स्मेल्ट होने का बचा हुआ था। इसलिए फिर मैंने वापस एनिमल को फेंस के अंदर लाने की कोशिश की, पर ये अंदर जा ही नहीं रहे थे, तो इनको फिर से उनके हाल पर छोड़ दिया। और इसके बाद हमारा काफ़ी सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका था, तो इसलिए फिर मैंने अपने सारे आर्मर और टूल्स बना लिए। और इसी के साथ मेरा फर्स्ट गोल कंप्लीट हो चुका था, जो कि था फुल्ली आयरन आर्मर विथ टूल्स। तो इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर एक वाटर बकेट बनाई और पानी लेकर मैं चला गया भाई दूसरे लेवल को फाइंड करने। और यहाँ पर एक ख़तरनाक सी एमएलजी के किसी ने कुछ नहीं देखा, और यहाँ पर मैंने देखा केव के अंदर बादल लोग आ रहे थे, तो उनको इग्नोर करके मैंने वापस से माइनिंग करना स्टार्ट किया। और मैं गिरता हूँ दूसरे चंक में जो कि था सेकेंड लेवल, और ये माइनक्राफ्ट वगैरह जैसा लग रहा था। और यहाँ पर मैंने काफ़ी देर चेस्ट को फाइंड करने की कोशिश की, पर कोई भी चेस्ट मुझे नहीं मिली। तो यहाँ से फिर मैंने एमेथिस ब्लॉक और एमेथिस कलेक्ट कर लिए। एंड इसके बाद भाई मैंने यहाँ पर थोड़े से ये ब्लॉक भी कलेक्ट कर लिए, जो कि सजावट में काफ़ी अच्छे लगते हैं।
एंड इसके बाद मैं वापस नीचे डिक करने लगा तीसरे लेवल को फाइंड करने के लिए, और मैंने देखा कि यहाँ पर भाई तीसरे लेवल पे काफ़ी सारा पानी है, तो यहाँ से निकलने के लिए मुझे एक तरीका है। तो यहाँ पर मैंने एक वाटर बकेट डाली और नीचे की ओर जाने लगा, जो कि काफ़ी सही तरीका था। और मैंने यहाँ पर देखा कि एक सीप है, और यहाँ पर मुझे एक चेस्ट भी दिख चुकी थी, पर वहाँ से जाने से पहले मेरी सांस फूलने लगी थी, तो इसलिए मैं वापस ऊपर आया और अपनी सांस को भर ली। नेक्स्ट टाइम मैं जल्दी से उस चेस्ट के पास पहुँचा, और वहाँ पर मुझे मिल चुके थे कुछ फिशेस इंचांटेड, और यहाँ पर दो हेलमेट भी थे, पर यहाँ पर मेरी सांस खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने जल्दी से उस हेलमेट को पहन लिया क्योंकि उसमें रेस्पिरेशन लगा हुआ था। और कुछ देर बाद भाई मैं बच गया, क्योंकि उस हेलमेट की वजह से मैं सांस ले पा रहा था पानी में, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। एंड इसके बाद भाई मैं यहाँ पर एक चेस्ट मिली जो कि अंदर लुकी हुई थी, और इस यहाँ पर भी मुझे कुछ इंचांटेड, ये कौन से पीस मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर मुझे दो ट्राइडेंट मिल चुके थे और वो भी इंचांटेड। एंड इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं मिली मुझे, इसलिए फिर मैंने वापस नीचे तीसरे लेवल को फाइंड करने के लिए डिग डाउन करना स्टार्ट किया, और मैं पहुँचता हूँ भाई एक डेजर्ट टेम्पल में, जो कि काफ़ी मस्त था। और फिर यहाँ पर मैंने थोड़े से ब्रेड बनाया क्योंकि खाना चुक गया था, और इसको खाने के बाद मैंने अपने ग्राफिंग टेबल को कलेक्ट किया। और यहाँ पर दिक्कत ये थी कि यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा था, तुम लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर नेदर वाला भी मुझे दिख रहा था जो सेकंड लेवल था, तो उसको नीचे जाने के लिए मेरे पास एक आइडिया था, ऊपर वाला पानी वाला लेवल था, तो यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक डिग डाउन किया और नीचे पानी जाने लगा, जो कि काफ़ी मस्त आइडिया था, जीनियस का दिमाग। तो मैंने फिर जल्दी से पानी में छलांग लगा दी, पर नीचे जाने की बजाय मैं ऊपर जाने लगा क्योंकि मैं अभी उस वाले चंक में नहीं जाना चाहता हूँ। बस हवा निकल गई, और यहाँ पर मैंने कुछ ब्लॉक्स भी लगा दिए ताकि मुझे याद रहे कि मैं कहाँ से आया था। और इसके बाद मैं अपने आइलैंड वापस आ गया और वहाँ पर अपनी चीज़ों को स्टोर कर दिया जो भी मुझे मिली हुई थी। और इसके बाद मैंने काफ़ी सारे ट्रीज को चॉप करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब मैं बनाने वाला था एक ट्री फार्म जो कि बेसिक सा होगा। तो यहाँ से मैंने काफ़ी सारे स्लैब्स क्रिएट कर लिए थे, तो अब बारी थी उस ट्री फार्म को बनाना। ट्री फार्म का 70% काम कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सैपलिंग्स लगा दी, अब बस मुझे बॉर्डरिंग के लिए कवर स्टोन चाहिए, पर उसके लिए मुझे लावा चाहिए क्योंकि मैं बनाने वाला था कवर स्टोन जनरेटर, तो इसलिए मैं चला गया वापस से उस वाली जगह पे। तो यहाँ पर मैं पानी की मदद से पहले नीचे आया, और यहाँ पर मुझे लावा पहले ही दिख चुका था, पर यहाँ पर एक खतरा था जो कि मुझे बाद में पता चला, पर उससे पहले मैंने यहाँ पर लावा को ढक दिया क्योंकि काफ़ी ख़राब माहौल बना हुआ था। एंड इसके बाद पर मुझे यहाँ पर लावा दिख रहा, तो मैंने चुपचाप यहाँ से लावा कलेक्ट कर लिया। और इसके बाद यहाँ पर मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें काफ़ी ख़तरनाक लूट थी, जिसको मैंने कलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पर साथ में मैंने काफ़ी सारे बोन बील ब्लॉक भी कलेक्ट कर लिए, और यहाँ पर पोषण बनाने वाले पौधे भी थे जिसे मैं कलेक्ट कर रहा था। और तभी मेरे सामने वो खतरा आता है जिसकी मैं बात कर रहा था, मेरे ऊपर दो ब्लेजर्स ने हमला कर दिया था, और यही वो खतरा है, और लिटरली मुझे इसने मार दिया था। और बस एक छलांग जैसे ही मैंने लगाई और मैं सच में मर गया। स्पॉन होने के बाद मैं तुरंत पानी की मदद से वापस उस वाली जगह पे आया था जहां मैं मर गया था, तो वहां से मैंने अपने सारे सामान को जल्दी से कलेक्ट कर लिया। पर ब्लेजर ने मेरा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं घर के पीछे छिप गया। और यहां पर मुझे एक चेस्ट मिली जो कि बिल्कुल खाली थी, मतलब इसको देखकर काफ़ी गुस्सा आया, यहां पर रखी ही क्यों है। और यहां पर काफ़ी सारे केक भी थे, शायद ये केक वाली दुकान होगी। ब्लेज मेरा बाहर इंतज़ार कर रहा था, पर एक ही रास्ता था ऊपर जाने का जो कि था पानी, तो इसलिए मैंने रिक्स लेकर तुरंत पानी की ओर चलना स्टार्ट किया, और पानी की वजह से मैं ऊपर जाने लगा। फाइनली मैं बच गया था उन ब्लेजर्स से, उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, पर किसी तरह मैं वापस से ऊपर चढ़ गया और इधर से निकल गया। फाइनली मैं इस जगह से बच कर निकल गया। अच्छा, आइलैंड पर वापस आने के बाद मैं एक चेस्ट बनाई और उसमें अपने नए सामान को स्टोर कर दिया, और इसमें काफ़ी एक्सपेंसिव सामान था जैसे तुम लोग देख सकते हो। एंड इसके बाद मैंने लगाए हुए ट्रीज को जल्दी से चॉप कर लिया, और यहाँ पर रात हो गई थी तो इसलिए मैं जल्दी से जाकर भाई सो गया। एंड इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने देखा यहाँ पर एक वॉन्डरिंग ट्रेडर आया जो कि हमेशा की तरह कचरा दे रहा था, पर पता नहीं क्यों वो मुझे देखकर भागने लगा। शायद उसे पता था कि मैं उसी तरह करूँगा जो सब लोग करते थे, पर मैंने उसको मारा नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया। थैंक्स, लव यू।
और इसके बाद ट्री फार्म में कुछ ट्री सैपलिंग्स को लगाया मैंने और साथ में कबलस्टोन जनरेटर बनाना स्टार्ट कर दिया। कबलस्टोन जनरेटर बनने के बाद मैंने वहाँ पर काफ़ी सारे कबलस्टोन कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए और एक स्टोन कटर बनाकर वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे कबलस्टोन वॉल बना लिए और इन वॉल को मैं लगाने वाला था अपने ट्री फार्म में। ये सब होने के बाद अपना ट्री फार्म काफ़ी मस्त लग रहा था लुक में भी और सेफ्टी में भी। और इसके बाद मैं बनाने वाला था अब कुछ और बेसिक से फार्म, तो उनके लिए मुझे काफ़ी सारे रिसोर्सेज लगेंगे जो मेरे पास पहले से है, तो उनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एनिमल फार्म बनाया था और यहाँ पर मैंने एनिमल भी ट्रांसपोर्ट कर दिए थे जैसे तुम लोग देख सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर जो छोटी सी फसल लगी हुई थी मैंने उनको रिमूव करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं बनाने वाला था अब फूड फार्म, तो उसको भी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। इसी के साथ हमारे दो गोल्स कंप्लीट हो चुके थे, अब बचा हुआ था एक और गोल जो कि होगा एक हाउस बनाना, तो उसको भी अब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। पर उससे पहले मुझे ये सब एरिया क्लीन करना पड़ेगा, तो अब बिना किसी देरी के इसको भी क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एरिया पूरी तरह से एकदम क्लियर हो गया है, अब बस घर को बनाने की देरी है, तो इसका भी काम स्टार्ट कर देते हैं। घर को बनाते बनाते मैं बीच में फार्मिंग वगैरह भी कर लेता था और साथ में एनिमल्स को भी फीड करा देता था। घर बनने के बाद मैंने यहाँ पर चीज़ों को स्टोर करना स्टार्ट किया जो कि बाहर रखी हुई थी और साथ में अपने आइलैंड को लाइट अप करना भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्पॉन हो रहे थे। और इसके बाद मैंने अपने वन चंक के आइलैंड के चारों तरफ बॉर्डरिंग करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि यहाँ से भी गिरने का खतरा था। और वहाँ पर मैंने कबलस्टोन वॉल लगाई और ये सब होने के बाद थोड़े से मैंने डेकोरेशन की और फाइनली हमारा घर बनकर बिल्कुल रेडी है। जैसे तुम लोग देख सकते हो हमारा घर कैसा लग रहा है तुम लोग को कमेंट में बता देना। और हमने 3 गोल कंप्लीट किए हैं और इस वाली वीडियो में मैंने टोटल 25 डेज कंप्लीट किया। अगर तुमको इसका सेकंड पार्ट चाहिए जिसमें मैं 50 डेज सर्वाइव करूँ तो कमेंट कर देना और मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।